हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, आज की ये वीडियो हमारी क्लास फोर्थ के लिए है, जिसमें हम चैप्टर 11 आउट विद द गॉड्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वर्क सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी थी, यदि आपने नहीं देखी है तो पहले उस वाली वीडियो को देख लीजिए, जिससे ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। सो फर्स्ट नंबर पे कॉम्प्रिहेंशन ए पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स इसमें सॉल्व करने हैं हमें। सो क्वेश्चन नंबर वन, हिदी वॉज वेरी सैड वेन सी वोक अप इन द मॉर्निंग। तो हिदी बहुत ज़्यादा दुखी थी जब वो सुबह सो के उठी, सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि सी वॉज वेरी हैप्पी, उसके लिए तो सब न्यू था एंड सी वॉज एक्साइटेड टू सी एवरीथिंग अराउंड हर। सो सेकेंड क्वेश्चन, हिदी वॉज एक्साइटेड टू गो टू द माउंटेन विद पीटर एंड गोट्स। सो येस, इट्स ट्रू, सी वॉज एक्साइटेड टू गो। देन थर्ड इज, हिदी डिड नॉट वॉन्ट टू वॉश अप बिफोर गोइंग टू द माउंटेन। सो दैट इज एब्सोल्यूटली फॉल्स। सो फोर्थ इज, हिदी फिल्ड हर एप्रन विद फ्लावर्स। तो हिदी ने अपना जो एप्रन था उसको फ्लावर्स से भर लिया, सो दैट इज ट्रू। देन फिफ्थ क्वेश्चन, हिदी वॉज वेरी टायर्ड एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ ऑन द ग्राउंड। हिदी बहुत ज़्यादा थक गई थी और इसलिए वो ग्राउंड पे लेट गई, सो दैट इज फॉल्स, बिकॉज हिदी नहीं थकी थी, उसके साथ जो उसका सर्वेंट था आई थिंक पीटर, वो थक गया था एंड ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड। सो देख लेते हैं सारे आंसर, हम टैली कर लेते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दीज क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हमें आंसर लिखने हैं क्वेश्चंस के। सो क्वेश्चन वन, व्हाट डिड हिदी सी आउटसाइड द हट एज सून एज सी वोक अप। सो जब हिदी सोकर उठती है मॉर्निंग में, सो व्हाट सी सो आउटसाइड द हट, तो वो हट के बाहर क्या देखती है। तो द करेक्ट आंसर विल बी, सी सो दैट पीटर वाज स्टैंडिंग विद हिज फ्लॉक ऑफ गोट्स एंड हर ग्रैंडपा वाज जस्ट ब्रिंगिंग हिज टू गोट्स आउट ऑफ द शेड टू जॉइन द अदर्स। कि जब वो सोकर उठती है, सो व्हाट सी सो, सी सो दैट पीटर वाज स्टैंडिंग, पीटर बाहर खड़ा हुआ है विद हिज फ्लॉक ऑफ गोट्स, अपनी जो गोट्स के झुंड के साथ, एंड हर ग्रैंडपा, और उसके जो ग्रैंडपा हैं उनके जो दादाजी हैं, वो ब्रिंगिंग हिज टू गोट्स, अपनी गोट्स को लेके आ रहे हैं, दो गोट्स को, आउट ऑफ द शेड। शेड मीन्स जो जहाँ पे गोट बांधी जाती हैं, शेड के बाहर लेके आ रहे हैं टू जॉइन द अदर्स, बाकी गोट्स के साथ जॉइन करने के लिए। गॉट इट। देन क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड हिदी डू व्हेन शी सॉ द ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स। तो जब हिदी ब्राइटली कलर्स फ्लावर्स देखती है तो वो क्या करती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी, हिदी वेंट रनिंग हेयर एंड देयर। पहले क्वेश्चन में से लिख लेंगे, व्हेन हिदी सॉ द ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स सी वेंट रनिंग हेयर एंड देयर शाउटिंग विद डिलाइट सीइंग फील्ड्स ऑफ ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स। तो हिदी जो है क्या करती है, सी वेंट रनिंग हेयर एंड देयर, वो इधर उधर भागी घूमती है, साउटिंग विद डिलाइट, खुशी से चिल्लाते हुए, सीइंग फील्ड्स ऑफ ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स, जो ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स के जो फील्ड्स थे उनको देखते हुए। ओके, क्योंकि उसके लिए तो वो जो जगह थी वो न्यू थी, सो एवरी थिंग वॉज न्यू टू हर, दैट्स वाई सी वॉज रनिंग हेयर एंड देयर विद लॉट्स ऑफ जॉय, कि सारा एरिया उसके लिए नया था एंड सी गॉट एक्साइटेड टू सी। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर वाज हिदी
When Peter called out to her, जब पीटर ने उसको बुलाया हीदी को, so वो कहाँ पे थी? Where was she? तो वो कहाँ पे थी? So the answer will be, हीदी was seated on the ground. हीदी ग्राउंड पे बैठी हुई थी, at the foot of a small hill. एक छोटी सी जो हिल थी उसके फुट पे. Thickly overgrown with sweet smelling prunella. सो वहाँ पे क्या थे, बहुत सारे वो जो हिल थी उस पर बहुत सारे जो अच्छी स्मेल देने वाले मीन्स सुगंध से भरे हुए प्रूनेला होते हैं, अ काइंड ऑफ फ्लावर्स. हेयर यू कैन सी दीज आर द फ्लावर्स प्रूनेला. तो वहाँ पे प्रूनेला से भरी हुई थी वो पूरी हिल, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो एयर थी वो उसकी जो स्मेल थी वो सुगंधित थी, स्वीट स्मेलिंग थी वहाँ पे, है ना. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, Why did Hidi enjoy sitting at the foot of the hill? अब Hidi जो थी वो enjoy क्यों कर रही थी वहाँ पे उस hill के foot पे बैठने की, मतलब उसको इतना enjoy क्यों कर रही थी वो. So question number फोर, answer number फोर, she enjoyed sitting at the foot of the hill because the hill was surrounded by the flowers and she liked drawing in deep breaths of the scented air. क्योंकि जो हिल थी वो बिल्कुल फ्लावर्स से चारों तरफ से भरी हुई थी, और हीदी को बहुत अच्छा लग रहा था कि गहरी सांसें लेके जो वहाँ की सुगंधित हवा थी उसको अपने अंदर डीप जो ब्रेथ करते हुए लेने में उसको इंजॉय आ रहा था बहुत ज़्यादा. सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं, हाउ डिड हीदी रिएक्ट व्हेन पीटर स्पोक अबाउट द बर्ड ऑफ आई बर्ड ऑफ प्रे. जब उसने शिकारी चिड़िया के बारे में बात की पीटर ने, तो हीदी का क्या रिएक्शन था ये यहाँ पे बताना है हमें. सो द करेक्ट आंसर विल बी, व्हेन पीटर स्पोक अबाउट द बर्ड ऑफ प्रे हीदी इमीडिएटली स्प्रैंग टू हर फीट एंड रैन अप टू पीटर विद हर एप्रन फुल ऑफ फ्लावर्स. तो स्टार्टिंग में तो पीटर वॉज कॉलिंग हर अगेन एंड सी वॉज नॉट लिसनिंग. पीटर बोल रहा था उसको चलने के लिए, लेकिन उसको वहाँ पे बैठना अच्छा लग रहा था. लेकिन जब पीटर उसको बताता है शिकारी चिड़िया के बारे में कि यहाँ एक शिकारी चिड़िया रहती है, तो हीदी क्या करती है, सी इमीडिएटली स्प्रैंग टू हर फीट एंड रैन अप टू पीटर. तो वो क्या करती है, जल्दी से खड़ी हो जाती है और बहुत जल्दी करके पीटर के साथ वहाँ से भाग लेती है, मीन्स चल देती है जल्दी से. विद हर एप्रन फुल ऑफ फ्लावर्स, और अपने एप्रन को पूरा पूरा उसने फ्लावर्स से भरा हुआ था. ओके, सो क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाई डिड पीटर लास्ट आर्ग्यूमेंट कन्विंस हीदी. सो पीटर की जो लास्ट आर्ग्यूमेंट थी वो कैसे हीदी को कन्विंस करती है, मीन्स उससे पहले भी पीटर ने बोला था हीदी से कि तुम्हारे दादाजी ने बोला है मुझे कि कहीं तुम्हें कहीं ठोकर ना लग जाए, या तुम जल्दी चलो, तुम इधर उधर मत बैठो, मीन्स काफ़ी सारी बातें उसने कही थी. लेकिन हीदी वॉज नॉट लिसनिंग, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो सिर्फ अपना इंजॉय करने में लगी हुई थी. लेकिन जब पीटर ने शिकारी चिड़िया के बारे में बात की, तो उसकी जो ये लास्ट आर्ग्यूमेंट है उससे हीदी कन्विंस हो गई और उसके साथ चल दी. तो उसकी लास्ट जो आर्ग्यूमेंट है उससे कैसे कन्विंस हो गई वो, है ना. सो द आंसर विल बी, पीटर्स लास्ट आर्ग्यूमेंट कन्विंस्ड हर बिकॉज सी प्लग्ड इनफ फ्लावर्स एंड हर एप्रन वॉज ऑलरेडी फुल ऑफ फ्लावर्स. तो उसने क्या किया, वो कन्विंस इसलिए हो गई कि पहले तो उसने बहुत सारे फ्लावर्स तोड़ लिए थे, उसे और फ्लावर्स तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना. लेकिन उसका जो एप्रन था वो पूरी तरह से फिल भी हो गया था, उसके पास और जो स्पेस भी नहीं था कि वो और ज़्यादा फ्लावर्स उसमें रख ले. ओके, आई थिंक लास्ट कन्वर्सेशन उसकी ये थी पीटर की कि यदि तुम सारे फ्लावर्स तोड़ लोगी तो कल के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, है ना. तो उसने पहले ही बहुत सारे फ्लावर्स तोड़ लिए थे और उसका जो एप्रन था वो पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ था, तो वो कन्विंस हो गई पीटर के साथ चलने के लिए. आई होप यू आर गेटिंग. सो सिक्स क्वेश्चन सी पार्ट,
रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं हमें. ए, डू यू वांट टू गो विद देम ऑन द माउंटेन. सो ये लाइन है, यदि आपने चैप्टर अभी हाल फिलहाल में भी पढ़ा है तो आप इसको आराम से आंसर कर सकते हैं कि क्या तुम जाना चाहती हो इनके साथ माउंटेन पर. तो हु इज देम, तो ये जो देम है ये किसके लिए यूज हुआ है. सो द करेक्ट आंसर विल बी पीटर एंड हिज फ्लॉक ऑफ गोट्स. ये जो डैम है ये पीटर और उसका जो बकरियों का झुंड उसके साथ था उसके लिए यूज हुआ है डैम, कि क्या तुम इनके साथ जब माउंटेन पे जाना चाहोगी. एंड हाउ डज द लिसनर रिएक्ट ऑन हियरिंग दिस क्वेश्चन. और लिसनर ने ये सुन के कैसे रिएक्ट किया. सो शी जम्प्ड विद जॉय, तो वो खुशी से उछल पड़ी हियरिंग दैट क्वेश्चन. तो ऐसा क्वेश्चन सुन के वो खुशी से जंप किया उसने, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई. तो एक क्वेश्चन आप बताइए इसमें कि डू यू वॉन्ट टू गो विद देम ऑन द माउंटेन, तो ये किसने बोला था और किससे बोला था. सो ये बोला था ग्रैंडफादर ने और किससे, हीदी से. देन सेकंड क्वेश्चन, नो देयर इज नथिंग फॉर हिम टू लाफ एट नाउ, ही assured हर. तो अब उसके पास हंसने के लिए कोई और वजह नहीं है, उसने उसको यकीन दिलाया. तो अब यहाँ हमें बताना है हु इज हिम, तो ये हिम किसके लिए यूज हुआ है, किसके पास हंसी की वजह नहीं है. सो द सन, सन के लिए यूज हुआ है कि सन के पास अब हंसने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो तुम पे नहीं हंसेगा. देन सेकेंड, वाई विल ही नोट लाफ नाउ, और अब वो क्यों नहीं हंसेगा. सो द आंसर विल बी बिकॉज ही दी मेड हर क्लीन, सो देर वॉज नो रीजन टू लाफ एट हर, क्योंकि ही दी ने अपने को क्लीन कर लिया था और अब जो सन है उसके पास जो कोई रीजन नहीं था उस पर हंसने का. गोट इट, ये भी ग्रैंडपा ने ही दी से बोला था कि यदि तुम नहीं नहाओगी, अपने को साफ नहीं करोगी तो सन विल लाफ एट यू, तो सन तुम पे हंसेगा कि ये लड़की कितनी गंदी है, जैसे बच्चों से बात करते हैं बड़े ऐसे ही. सो द थर्ड क्वेश्चन, यू आर नॉट टू फॉल ओवर द रॉक्स, योर ग्रैंडफादर गेव ऑर्डर्स दैट यू वर नॉट टू डू सो. तो ये लाइन पढ़ी है हमने चैप्टर में. सो इसका जो क्वेश्चन है, हु डिड ग्रैंडफादर गिव द ऑर्डर्स टू एंड वाई. तो ये जो लाइन है इसका क्या मीनिंग है, यू आर नॉट टू फॉल ओवर द रॉक्स, योर ग्रैंडफादर गेव ऑर्डर्स दैट यू वर नॉट टू डू सो. तो ये जो लाइन है ये पीटर बोलता है हिंदी से कि तुम्हें कहीं ठोकर नहीं खाना है, तुम्हें कहीं गिरना नहीं है रॉक्स पे, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे ऑर्डर दिया है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए. सो हु डिड ग्रैंडफादर गेव द ऑर्डर, तो ग्रैंडफादर ने किसको ऑर्डर दिया है. सो ग्रैंडफादर गेव द ऑर्डर टू पीटर, तो ये जो ऑर्डर है ये पीटर को दिया है. अब बताना है एंड वाई, क्यों दिया है. टू प्रोटेक्ट हीदी एज सी वाज अ लिटिल चाइल्ड. उसने इसलिए ऑर्डर दिया है क्योंकि हीदी वो जो लिटिल चाइल्ड, वो बहुत छोटी बच्ची है, एंड जो पीटर है उसको उसका ध्यान रखना है. देन बी पार्ट, वाई वाज देयर अ चांस फॉर द लिसनर टू फॉल ओवर द रॉक्स. तो लिसनर का जो है, जो पीटर जो है हीदी से ये बात बता रहा है, तो लिसनर का चांस क्यों है कि वो रॉक्स पे गिर जाए या उसे ठोकर लग जाए कहीं. सो द आंसर विल बी बिकॉज हीदी वॉज न्यू टू दैट एरिया, क्योंकि हीदी जो है एक तो छोटी बच्ची है, लेकिन द अदर रीजन इज हीदी वॉज न्यू टू दैट एरिया, हीदी जो है उस एरिया में नई है. तो वो यूज टू नहीं है वहाँ पे घूमने के लिए, इसलिए उसको ये जो प्रोटेक्ट करने के लिए पीटर को ऑर्डर दिया गया था. सो फोर्थ क्वेश्चन, ग्रैंडफादर सेज द सन विल लाफ एट हीदी फॉर बीइंग डर्टी, विल द सन रियली लाफ एट हीदी, व्हाट डज ग्रैंडफादर वांट टू कन्वे
हेयर। तो ये आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ कि ग्रैंडफादर ने बोला था हिदी से कि द सन विल लाफ एट हिदी, कि जो सन है वो तुम पे हंसेगा कि तुम गंदी हो। विल द सन रियली लाफ एट हिदी, तो जो सन है वो सच में हिदी पर हंसेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। एंड व्हाट डज ग्रैंडफादर वांट टू कन्वे हेयर, और यहाँ पे ग्रैंडफादर क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है क्लास में। देन नेक्स्ट पार्ट इज वोकैबुलरी, तो यहाँ हमें मैचिंग देखनी है, मैच करने हैं वर्ड्स को। सो क्लाउडी, क्लाउडी को किसके मैच करेंगे, क्लाउडी इज वेदर, ओके सो दैट इज वन। देन स्ट्रेट, स्ट्रेट को मैच करेंगे विद हेयर, दैट इज टू। देन क्लासिकल, क्लासिकल इज म्यूजिक, सो हेयर थ्री। देन ब्रॉड, ब्रॉड डेलाइट फोर। फिफ्थ गोल्डन, सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी इट्स फिफ्थ। एंड स्ट्रॉन्ग कॉफी, सो इट्स सिक्स। सो मैचिंग के जो हमारे नंबर्स हैं दैट इज 6, 3, 2, 5, 4, 1, ओके। सो समझ में नहीं आए तो बता देना, मैं मैसेज में पिन कर दूंगी इसको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन स्पीकिंग, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ फाइव, ईच ग्रुप कैन गिव 3 points ऑन हाउ टू कीप द स्कूल क्लीन। तो ये आपको ग्रुप बनाना है क्लास में और आपको आपस में बात करनी है कि किस तरह से आप अपनी क्लास को या अपने स्कूल को क्लीन रख सकते हैं, ओके। देन राइटिंग पोर्शन, ये भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है। डू यू लाइक टू लिव इन अ सिटी और अ विलेज, राइट व्हाई यू वुड लाइक टू लिव देयर, यू मे बिगिन लाइक दिस। तो यहाँ पे पूछा है कि आप कहाँ रहना पसंद, डू यू लाइक टू लिव इन सिटी और अ विलेज, क्या तुम सिटी में या विलेज में रहना पसंद करते हो और क्यों रहना पसंद करते हो, ये सब यहाँ पे हमें बताना है। और आपको कैसे स्टार्ट करना है, आई लिव इन अ सिटी नाउ, मैं अभी सिटी में रहता हूँ, बट आई वुड लाइक टू लिव इन अ विलेज, लेकिन मैं विलेज में रहना चाहता हूँ। अ विलेज हैज, और उसके आगे विलेज की क्वालिटी जो भी आपको पसंद है वो करके लिख देनी है। और इसका जो सेकंड पोर्शन है, यदि आप विलेज में रहते हैं और सिटी में रहना पसंद करते हैं, उसके लिए आपको ऐसे स्टार्ट करना है, ओके। सो ये आपका राइटिंग पोर्शन है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। सो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं उस चैप्टर के ऊपर वीडियो बना दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।